साथ राहुल गांधी की जो आज रायबरेली में है। एक महीने में दूसरी बार राहुल गांधी का ये रायबरेली दौरा है और आज पूरे दिन रायबरेली में उनका व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। रायबरेली पहुंचते ही राहुल गांधी ने हनुमान मंदिर जाकर पूजा पाठ की। मंदिर में दर्शन के बाद राहुल अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे, सांसद फंड से अब तक हुए विकास की जानकारी लेंगे। राहुल कुछ इलाकों का दौरा करेंगे। इस बार उन्होंने रायबरेली से चुनाव में 4 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। वायनाड सीट राहुल ने छोड़ दिया, लेकिन राहुल गांधी के दौरे पर सियासत तेज हो गई। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लग गए हैं, जिनमें राहुल गांधी के धर्म के बारे में सवाल किया गया। राहुल गांधी के संसद में दिए बयान को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति ने तूल पकड़ लिया है और आज जब राहुल गांधी सांसद रायबरेली अपने सांसदीय क्षेत्र में हैं, तो यहाँ जिले में लग गए हैं पोस्टर जिसमें राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बताया गया है। अगली नजर आप देखेंगे इन पोस्टर्स पर, तो इस तरह के तमाम पोस्टर्स आप देखें तो रायबरेली शहर में लगाए गए हैं, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है राहुल गांधी जवाब दो, राहुल की तस्वीर बनी है और नीचे लिखा है आपको अपना अमूल्य मत देने वाला रायबरेली का हिंदू मतदाता क्या हिंसक है, आप किस धर्म के हो स्पष्ट करो, आप हिंदू धर्म को मानते हो या नहीं मानते हो, रायबरेली का हिंदू मतदाता आपको भविष्य में वोट क्या गाली खाने के लिए देगा। इस तरह की तमाम बातें, तमाम इस तरह के पोस्टर्स तमाम खंभों पर, तमाम दीवारों पर, तमाम होल्डिंग्स पर रायबरेली के लगा दिए गए हैं, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को घेरने का भी प्रयास है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामलात पर यह कहती आई है कि राहुल का अधूरा बयान सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जबकि राहुल ने हिंदुओं को हिंसक बताया ही नहीं था। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामला को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है और राहुल के रायबरेली दौरे पर सांसद चुने जाने के बाद, दूसरे दौरे के बाद इस तरह के पोस्टर्स लगना शायद यूपी की सियासत को गर्मा रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, रायबरेली आज तक। और बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही राहुल गांधी को, उनके रायबरेली दौरे को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है सुनिए। ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಾಜ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಲಗುದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸರ ಎನಿಸ್ತದೆ ಅವನನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕೆಪ್ಪದಂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾರು ಅಸಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं रायबरेली से तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले तो समर्थ ये बताइए कि राहुल गांधी का क्या कुछ कार्यक्रम रायबरेली में रहने वाला है और जिस तरीके से लगातार निशाने पर लिया जा रहा है उन्हें बीजेपी द्वारा, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। वो ये कह रही है कि देखिए राहुल गांधी कहां कहां दौरा कर रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, फिर रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच गए, और प्रधानमंत्री कहां है, वो विदेश दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा, सियासत इस पूरे दौरे को लेकर गर्मा गई है। एक ओर राहुल गांधी को लेकर पोस्टर लग गए हैं, तो वहीं राहुल गांधी इस वक्त इस भूमिमऊ गेस्ट हाउस में है, बैठकें ले रहे हैं। आप दरवाजा देखिए, इस दरवाजा जरूर बंद है, लेकिन अंदर सांसद रायबरेली राहुल गांधी मौजूद हैं जो बैठक ले रहे हैं। शहीद अंशुमन के परिवार से भी वो लोग मिले हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है। लेकिन ये दौरा काफी अहम बताया जा रहा है नेहा, लेकिन कई बात यहाँ उनकी कई तमाम बैठकें हैं, पार्टी फंक्शनरीज के साथ बैठक है और तमाम चीजें आज डिस्कस होनी है, क्योंकि राहुल गांधी कई गांव में भी जा सकते हैं। इनकी जो माँ है उनसे बात करूंगा, ये शहीद अंशुमन उनकी माता जी हैं। देखिए यहाँ पर ये परिवार अभी जो है मिलकर जा रहा है, एक कोशिश करूंगा बात करने की उनसे। तो देखिए यहाँ पर इनसे बात करेंगे, इनके पिताजी मौजूद हैं, क्या कुछ राहुल गांधी से बातचीत हुई है, और एक बार रिक्वेस्ट करूंगा मैं इनसे बात करें। आप राहुल गांधी से मिले हैं, शहीद अंशुमन ने बहुत सेक्रीफाइस किया देश के लिए, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? देखिए वो एक ह्यूमन बींग के नाते और देश के एक नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो उन्होंने जाहिर सी बात है कि जो देश की शहादत में मेरे बेटे ने एक कड़ी स्थापित की है, उसके लिए बींग ए ह्यूमन बींग उन्होंने बुलाया और हमें आश्वासन दिया कि यह पूरा देश आपकी शहादत को नमन करेगा और सेना और ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। ठीक है,
तो देखा नेहा आपने कि लगभग एक मुलाकात उनकी थी शहीद के अंशुमन के परिवार के साथ, राहुल ने वो मुलाकात की है। अब पार्टी के जो फंक्शनरीज हैं उनके साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है और माना यह जा रहा है कि राहुल अनएक्सपेक्टेड विजिट यानी कई गाँव में जा सकते हैं एक रैंडम इंस्पेक्शन के लिए एक सांसद के तौर पर, और प्रशासन जो रायबरेली का है उसके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। लगभग शाम को 5 बजे यहीं से राहुल गांधी निकलेंगे, उनका डिपार्चर है और यहां से वो दिल्ली जाएंगे। कल वो मणिपुर में थे, आज वो यहां पर हैं और इस बीच कहीं ना कहीं बीजेपी को भी कांग्रेस घेरती हुई नजर आ रही, लेकिन राहुल गांधी का सांसद के तौर पर रायबरेली में एक ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वो आभार सभा के लिए आए थे, लेकिन तमाम कांग्रेसी नेता हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस पूरे दौरे को लेकर। राहुल गांधी का दौरा आज रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं, रायबरेली के लिए कितना अहम है? रायबरेली के लिए बहुत ही अहम है, ये हमारे नेता हैं राष्ट्रीय, आज आए, उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा किया, सबसे मिल करके सबकी बातें पूछी, जानकारी। पोस्टर तमाम रायबरेली में देखा है मैंने लगे हुए हैं, जिसमें वो बताया गया है कि एंटी हिंदू पोस्टर लगाया गया, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो सब विपक्षी दलों की, भाजपा की एकदम अनर्गल जो है। कल शंकराचार्य जी बोल रहे थे, ऐसा राहुल जी बोले ही नहीं। नजर बनाए रखिए, आज राहुल गांधी का पूरे दिन का रायबरेली का दौरा है।